यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मैं ज्यादा समय ना लेकर मैं विधायक जी और जितने भी प्रतिष्ठित लोग मंच पे बैठे हैं और हमारे सामने जितने लोग भी हैं उनको सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अब मैं अपनी बात बहुत कम शब्दों में कहूंगा। मेरा ये कहना है कि चुनाव के वक्त जिस तरह से राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग की तरफ से ये हिदायत दी जाती है कि वो धर्म का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में नहीं करेगा, वो हिदायत ही गलत है, क्योंकि इंसान धर्म के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, धर्म के बिना इंसान का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए राजनीति में लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं। हमारा ये मानना है धर्म का इस्तेमाल सकारात्मक रूप में होना चाहिए, लोगों के बीच में आपसी सद्भाव और प्यार मोहब्बत कायम करने के लिए होना चाहिए, ना कि एक दूसरे को एक दूसरे से लड़ाने के लिए। बिना धर्म के आदमी का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए सब लोग अपने धर्म को अपने तक सीमित रखे, दूसरे धर्म के ऊपर अपने धर्म को तरजीह देने की कोशिश ना करें। वो चाहे चुनाव का माहौल हो चाहे आम माहौल हो, उसमें आदमी को अपने धर्म का सम्मान करने के साथ साथ दूसरे के धर्म का सम्मान भी उसी तरह करना चाहिए, क्योंकि सबका मकसद अपने उस परवरदिगार ईश्वर को मनाना है। मनाने का तरीका अलग है। अब जिस तरीके से गौ माता को लेकर पूरे देश में नकारात्मक माहौल है, उस बीच में क्षेत्रीय विधायक महेंद्र यादव और इकबाल खान ने जो बीड़ा उठाया है, इसकी गूंज पूरे देश में जाना चाहिए और पूरे देश के हिंदू मुस्लिम भाइयों को मिलकर गौ माता की रक्षा करना चाहिए। बड़े बड़े नारे और स्लोगन देने के बजाय जमीनी स्तर पर इसी तरह से काम करना चाहिए, जिस तरह का प्रयोग महेंद्र यादव जी की विधानसभा क्षेत्र में इकबाल खान और उनके साथियों ने किया है। इससे समाज में हमें किसी दूसरी पार्टी की आलोचना करने के बजाय उनको रास्ता दिखाना चाहिए कि सही रास्ता ये है, इसमें तुम भी चलो। क्योंकि जब सब देशवासी गौ माता का सम्मान करेंगे तो निश्चित तौर पर कभी भी इस मामले को लेकर नफा लड़ाई झगड़े और फसाद नहीं होंगे और गौ माता की भी पूरी तरह से सुरक्षा और सम्मान और उसको भोजन मिल सकेगा। जय हिंद, जय भारत।